चलो फाइनली कुछ तो हुआ। बहुत देर के बाद एक लगा है। वाह, एक छोटा सा माची। तो फाइनली तो ये देख सकते हैं, एक छोटा सा लगा है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा माशेर, जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, हमारे कावेरी रिवर का टाइगर फिश। तो ये लगा है फिश ट्रैप पे, तो हमें इसे ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि खासकर ये ज़्यादा हर्ट हुआ है, जैसा हम हुक्स ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। फिर भी अभी एंगलर है, मज़ा लेना है तो हुक लगना ही है, वो तो बात है ही। फिर भी हम इसको सेफली रिलीज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं, और जैसे मैं बोलते रहता हूँ, कभी भी ल्यूअर्स अपने हाथ में रिमूव मत करिए, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। तो कभी भी ऐसे लिप ग्रिपर, प्लेयर, ग्लव्स वगैरह कुछ भी आपके इसके हिसाब से आप यूज़ करिए, क्योंकि ये सब बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए, हमारा लुकाना, हाँ लुकाना यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना, तो लुकाना का प्लेयर है, और ज़्यादा वेट नहीं है, बहुत कम है, छोटा सा है, तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो हम इसे सेफली रिलीज़ करते हैं। बाय, इसे हम रिलीज करेंगे। सुपर समाज, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइज, ब्यूटीफुल साइज। तो आप ऑब्जर्व कर सक रहे हैं, ये हमारा लुकाना का टॉप वाटर ल्योर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लुकाना, तो फाइनली सक्सेस हो गया माशिर के लिए। तो ये देख सकते हैं माशिर, बस हम टेस्ट कर रहे थे, हमारे समद ने निकाल दिया इसको टेस्टिंग पे। तो लुकाना टॉप वाटर ल्योर जो सालमन के लिए यूज़ होता है, टॉप वाटर सालमन के लिए खासकर फेमस है, लेकिन फाइनली माशिर लैंड हो गया इस पर। तो वाह, थोड़ी देर 2 मिनट में चल जाओगे, 2 मिनट में जाओगे। फिलहाल अभी थोड़ा हमें एक फ़ोटो दे दो, बस काफ़ी है, बाद में आप आराम से जाओ। ओके, सुपर। तो फाइनली लुकाना टॉप वाटर गनफिश 120, तो गनफिश 120 में हुकअप हमारे समद ने किया है। तो समद, फाइनली रिलीज मारना। ओके, लेट इट गो, ब्यूटीफुल। हाँ, बस इतना ही, यही पूछ रहा था तेरे से, और क्या पूछ रहा था। ओके, सही था।
सुपर। हाँ ब्रो लिपर तक ना ओके ओके तो ये देख सकते हैं टॉप वाटर में प्रॉप पेंसिल ब्यूटीफुल साइज ब्रदर। ओके ओके ये इन्होंने पकड़ा है तो अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है पानी में है तो हम इसे रिलीज करने जा रहे हैं। ओके और जैसे मैं हर बार बोलते रहता हूँ लेयर लिप ग्रिपर बहुत काम की चीज़ है ऐसे ल्यूअर्स को यूज़ करने के लिए। तो चलिए फाइनली एक लैंड किए हैं हमारे दोस्त ने तो आप साइज़ देख सकते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माचिर है तो हम इसे रिलीज़ करेंगे। आराम से आराम से सोपा समझ भाई समझ भाई उल्पड़ी में समझ भाई समझ वाव सुपर साइज तो ये देख सकते हैं वेरी सिंपल है जो हैदराबादी स्पून और यहाँ पे देख सकते हैं और ओके और ये जो रिसेंटली हमारे तो फिश का साइज़ भी देख सकते हैं तो ये रील ये सबसे मेन पॉइंट है जो मैं ये वीडियो में बताना चाह रहा था। जो पिछली बार मेरा बेटा ये रील के वीडियो भी बनाया था जो मेरा ब्रदर इसका रील भी बनाया था लेकिन वाकई में सच में ज़बरदस्त रील बोल सकता हूँ जो विथआउट एनी इफेक्ट इसमें लाइन बहुत कम पकड़ता है लेकिन सच में जो समद फाइनली समद के हाथ में मैं हैंड ओवर किया ये रील मैं बोला समद को कि समद मेरे हाथ से तो फिशिंग नहीं हो रहा है क्योंकि कभी कभार आता हूँ तो ये मेरा भाई इधर आ जा बैक टू बैक दोनों ने लैंड किया बैक टू बैक सेम स्पॉट्स सेम कॉस्ट 21 कॉस्ट में दोनों ने लैंड किया लेकिन वाकई में बहुत बहुत मज़ा आया लेकिन ये जो फाइनली ये रील का जो मज़ा रील्स बहुत सारे हैं लेकिन ये रील का जो मज़ा है जो समद के हैंड ओवर किया मैं समद को बोला कि समद आप फाइनली इसका रिव्यूज़ दीजिए तो फाइनली रिव्यूज़ समद भाई ने दिया
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ब्यूटीफुल। माशिर इतना आसान नहीं है कि लैंड कर सकते हैं जो ये साइज, तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन थ्री किलो, हाँ आराम से 3 किलो या 4 किलो तक भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है माशिर को जो लैंड कर सकते हैं। बहुत मुश्किल का काम है जो माशिर को लैंड करना। और ये लाइन जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट अल्ट्रा लाइट एंगलर्स के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इसमें मैं जो 100 मीटर लाइन जो मैं फिल किया था, उसके बाद समद को मैं दूसरा लाइन दिया जो फिल करने के लिए, तो वो बहुत सारा हिस्ट्री है, लेकिन फाइनली समद ने सक्सेस कर दिया यहाँ पे ये रील के ऊपर जो लुकाना में नया लॉन्च होने वाला है विथ पावर हैंडल। चलिए समद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो बेस्ट रिव्यूज़ के साथ देने के लिए। सैफ, आपका आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया? मैंने यूज़ किया डाइवा का फैंटम पावर ओल्ड वर्जन का, ओके, न्यू वर्जन है वो, गोल्ड है, न्यू वर्जन है, और सी नाइट का रील और सी नाइट का ही लाइन भी है, लाइन भी है। हाँ। और जो हम 6 साल से यूज करते हुए आ रहे हैं, कोमोडो का स्पिनर फुल स्विंग, जो कोमोडो का स्पिनर आता है बिल्कुल, उसमें यूज किया था, तीनों हुक परफेक्टली इसको हुक हुआ था, ओके, ये रहा रिजल्ट 100%। कमाडो तो जो हम ऑलरेडी हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, जो हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कमाडो स्पिनर प्लस सी नाइट का लाइन, सब हम ऑलरेडी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बैक टू बैक बहुत अच्छा, हमारे पूरे एंगलर्स पूरे ब्रदर्स यहाँ पे हैं जो बैक टू बैक ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्रदर यहाँ पे हैं, जो इनका भी शॉट है, इनका भी वीडियो है, बहुत बेहतरीन है, बैक टू बैक सब ट्राई कर रहे हैं।